वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आई से नेट सीरीज के एपिसोड नंबर 18 का टॉपिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इनबॉर्न एरर ऑफ अमीनो एसिड्स। ये सभी इनहेरिटेड होती हैं और इनका फीचर जो है वो अमीनो एसिड यूरिया होता है, विच इज जनरली यूज टू इंडिकेट द यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ अमीनो एसिड्स। और इसका फीचर जो मैनिफेस्ट करता है वो है मेंटल रिटार्डेशन, जो सभी में मेंटल रिटार्डेशन जो है वो कॉमनली पाया जाता है। So, today's first MCQ, maple syrup urine disease is an inborn error of metabolism of. Options are sulfur containing amino acids, aromatic amino acids, branch chain amino acids, dicarboxylic amino acids. Here answer is branch chain amino acids, जो कि valine, leucine, isoleucine होते हैं और defective enzyme है branch chain alpha keto acid dehydrogenase. और इसमें the urine of the affected individual smells like maple syrup or burnt sugar. इसलिए इसका नाम maple syrup urine disease है। maple syrup urine disease को MSUD भी कहते हैं। नेक्स्ट PKU, फिनाइल कीटोन यूरिया इज अ डिसऑर्डर ऑफ विच मेटाबोलाइट, देन फिनाइल एलानिन, ग्लूटामिक एसिड, ट्रिप्टोफैन, एस्पार्टिक एसिड, ये ऑप्शंस हैं। और हियर आंसर इज ऑप्शन ए, फिनाइल एलानिन जो है अमीनो एसिड जो होता है एसेंशियल होता है फिनाइल एलानिन, और ये इसके मेटाबॉलिज्म में डिसऑर्डर के से PKU फिनाइल कीटोन यूरिया होता है। ये कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। एंजाइम जो डिफेक्टिव होता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज ऑटोसोमल रिसेसिव जीन के कारण होता है। फिनाइल एलानिन जो है कन्वर्ट नहीं हो पाता टायरोसिन के अंदर, और यहाँ जो अकुमुलेशन हो जाता है फिनाइल एलानिन का टिश्यूज में, ब्लड में, और एक्सक्रीट हो जाता है, यूरिन में ज्यादा होता है। एंड देन इसके बाद जो कई मेटाबोलाइट्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ फिनाइल पायरुवेट, फिनाइल एसिटेट, फिनाइल लैक्टेट, फिनाइल ग्लूटामाइन, और फिनाइल एसिटेट जो है ये सभी फिर यूरिन में एक्सक्रीट भी होते हैं इन हाई कंसेंट्रेशन इन PKU। फिनाइल एसिटेट जो है वो माउसी ऑर्डर यूरिन को देता है। So your answer is option A, phenyl alanine. All the following are true about phenyl ketonuria except deficiency of phenyl alanine hydroxylase, mental retardation, increased urine excretion of phenyl para hydroxyphenyl pyruvic acid, decreased serotonin formation. So here answer is option C, increased urinary excretion of para hydroxyphenyl pyruvic acid. क्योंकि यहाँ पर increase किसका हो रहा है, para hydroxy का नहीं होता है, phenyl pyruvic acid या phenyl pyruvate का होता है। और यहाँ पे पूछा गया है सब सही है केवल एक के छोड़कर, तो ये सही नहीं है क्योंकि यहाँ पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड का नहीं होता है, किसका होता है, फिनाइल पायरुवेट या फिनाइल पायरुविक एसिड का। जबकि डेफिशिएंसी ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज होता है, मेटल रिटार्डेशन होता है, डिक्रीज सेरोटोनिन फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है ऐसा, इनसफिशियंट ट्रोफन से जो इसका प्रोडक्शन है सेरोटोनिन का ये कम हो जाता है। दिस इज ड्यू टू द कंपटीशन ऑफ फिनाइल एलानिन एंड इट्स मेटाबोलाइट्स विद ट्रिप्टोफैन दैट इंपेयर्स द सिंथेसिस ऑफ सेरोटोनिन। सो हियर आंसर इज ऑप्शन सी। एल्केप्टोन यूरिया अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम, तो यहाँ आंसर है आप याद रखिए ऑप्शन जो बी है, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज। होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज इसको डिजीज को एल्केप्टोन यूरिया को ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहते हैं, और ये डिफेक्टिव एंजाइम है होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज। होमोजेंटिसेट एक्युमुलेट्स इन द टिश्यू ब्लड एंड इज एक्सक्रीटेड इनटू यूरिन। होमोजेंटिसेट ऑन स्टैंडिंग गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू द कॉरेस्पॉन्डिंग कोनॉन्स विच पॉलीमराइज टू गिव ब्लैक और ब्राउन कलर, और इसी कारण का जो एल्केप्टो यूरिक पेशेंट्स होते हैं उन सभी के जो यूरिन का कलर है वो कोक या ब्लैक और ब्राउन होता है। सो हियर आंसर इज ऑप्शन बी, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज। एल्बिनिज्म इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज टायरोसिनेज देन पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड ऑक्सीडेज टायरोसिन डीहाइड्रोजिनेज। हियर आंसर इज ऑप्शन बी, जिसको हम कहते हैं टायरोसिनेज, और ये जो है ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव जो डिसऑर्डर है, और लैक ऑफ सिंथेसिस ऑफ द पिगमेंट मेलानिन, इसमें नहीं होता है मेलानिन का सिंथेसिस। और एंजाइम का नाम ध्यान रखें, एंजाइम जो लैक होता है उसका नाम है टायरोसिनेज। इसी तरीके से हमारे पास दो और डिजीजेस होती हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, एक है टायरोसिनेमिया टाइप 2 जो टायरोसिन ट्रांसमिनेज के मेटाबॉलिक डिफेक्ट होने से होती है, और नियोनेटल टायरोसिनेज जो है वो पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट हाइड्रोक्सिलेज या डाइऑक्सीनेज के डिफेक्टिव होने से होती है। साथ में एक डिजीज है हिस्टिडिनीमिया जो हिस्टिडीज एंजाइम के डिफेक्टिव होने से होती है, और एक डिजीज है हार्टनप्स डिजीज जो ट्रिप्टोफैन जो अमीनो एसिड है उसके डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म से होती है, जिसमें डिफेक्टिव इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन होता है। सो हियर आंसर इज ऑप्शन बी, टायरोसिनेज। ये सभी डिसऑर्डर्स हैं आप देख सकते हैं यहां। नेक्स्ट, गाउचर्स डिजीज इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम
बहुत इंपॉर्टेंट है डिजीजेस जिसके बारे में हम अगला जिक्र करेंगे वो है स्फिंगोलिपिडोसिस और लिपिड स्टोरेज डिजीज। और ये किसके अकुमुलेशन से होती है, ये अकुमुलेशन से होती है ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स या स्फिंगोमाइलिन्स के, इनको लिपिड स्टोरेज डिजीज कहते हैं। और गाउचर्स डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होती है गाउचर्स डिजीज किसके कारण, किसके डिफेक्टिव होने से, मिसिंग एंजाइम है बीटा ग्लूकोसाइडेज, या ऑप्शन है स्फिंगोमाइलिनेज, ग्लूकोसाइब्रोसाइडेज, बीटा ग्लूकोसाइडेज, गैलेक्टोसाइब्रोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। सो हियर आंसर इज ऑप्शन बी, ग्लूकोसाइब्रोसाइडेज और बीटा ग्लूकोसाइडेज। नेक्स्ट डिजीज है नियामिन स्पिक डिजीज रिजल्ट्स फ्रॉम अ डेफिशिएंसी ऑफ, हियर आंसर इज ऑप्शन बी स्फिंगोमाइलिनेज। आप ध्यान रखें एंजाइम का नाम है स्फिंगोमाइलिनेज। नेक्स्ट है टे सेक्स डिजीज रिजल्ट्स फ्रॉम इनहेरिटेड डेफिशिएंसी ऑफ, एरिल सल्फेटेज ए, हेक्सोसामिनेज ए, स्फिंगोमाइलिनेज, सेरामाइडेज। सो हियर आंसर इज हेक्सोसामिनेज ए। तो टे सेक्स डिजीज किसके कारण हो रही है, किसकी कमी से, किसके डिफेक्टिव, किसके इनहेरिटेड डेफिशिएंसी से, हेक्सोसामिनेज ए के डेफिशिएंसी से। तो आप यहाँ देख सकते हैं टे सेक्स हेक्सोसामिनेज ए, मेंटल डाइजेशन ब्लाइंडनेस, मस्कुलर वीकनेस, फैब्रीज, फैब्रीज डिजीज ध्यान रखें अल्फा गैलेक्टोसाइडेज के डेफिशिएंसी से होती है। साथ में क्रैब्स डिजीज ध्यान रखें ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज की कमी से होती है, जिसमें मेंटल डाइजेशन और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसमें माइलिन जो है वो लॉस्ट हो जाता है और इसका जो कंप्लीट जो है एब्सेंस होती है। नेक्स्ट गाउचर्स डिजीज जो है मैंने अब जैसे कि बताया बीटा ग्लूकोसाइडेज, नियामिन स्पिक डिजीज स्फिंगोमाइलिनेज की कमी से, फार्बर्स डिजीज सेरामाइडेज की कमी से। तो हमें जो ध्यान रखना है वो है अल्फा गैलेक्टोसाइडेज जो डिफेक्टिव एंजाइम है उसकी कमी से डिजीज होती है फैब्रीज डिजीज, और जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है उससे होती है क्रैब्स डिजीज। तो अल्फा गैलेक्टोसाइडेज और बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और साथ में हम गाउचर्स डिजीज की बात करें तो बीटा ग्लूकोसाइडेज, यहाँ पर एनलार्ज लीवर स्प्लीन हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन भी होता है गाउचर्स डिजीज में, नियामिन स्पिक में मेंटल रिटार्डेशन, एनलार्ज लीवर एंड स्प्लीन। सो ऑल दीज आर स्फिंगोलिपिडोसिस और लिपिड स्टोरेज डिजीज। नेक्स्ट लेशनियान सिंड्रोम द सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर इज ड्यू टू द लैक ऑफ द एंजाइम हाइपोजेंथिन गुआनिन फास्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज HGPRT, जेंथिन ऑक्सीडेज, एडेनिन फास्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज एंड एडेनोसिन डीएमएनेज। और हियर आंसर इज, इसका आंसर जो है वो है फर्स्ट हाइपोजेंथिन ग्वानिन फास्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, जिसको हम HGPRT भी कहते हैं। ये प्यूरीन साल्वेज जो पाथवे है जो है उसके अंदर ये डिजीज आती है, डिसऑर्डर है उसका, सेक्स लिंक्ड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ये। इसके फीचर्स हैं गाउटी आर्थराइटिस, न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज, मेंटल रिटार्डेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो इसका सेल्फ म्यूटिलेशन है, जिसमें जो अननेसेसरली जो है ये इररेजिस्टेबल जो अर्ज होती है बाइटिंग की फिंगर्स को और लिप्स को। तो हियर आंसर इज ऑप्शन ए हाइपोजेंथिन ग्वानिन फास्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज डेफिशिएंसी के कारण लेशनियान जो है सिंड्रोम होता है। एक और डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं SCID, आप सभी परिचित हैं, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, जो डिफेक्टिव एंजाइम होता है एडेनोसिन डी अमीनेज AD है। लास्ट गाउट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ कैटाबोलिज्म ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हियर आंसर इज प्यूरीन मेटाबॉलिज्म। तो प्यूरीन के जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उसकी वजह से गाउट होता है, गाउट जो है जिसके अंदर अकुमुलेशन हो जाता है, मेटाबॉलिक डिसीज है एसोसिएटेड विद द ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड, जो है डिपॉजिट हो जाती है टॉफीज, इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट हो जाता है जिसको गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं, मेल्स में ज्यादा होता है। और प्राइमरी जो गाउट है वो किसके कारण होता है, ये इनबॉर्न एरर होता है, कुछ एंजाइम डिफेक्ट होता है जिसमें PRPP सिंथेटेज, HGPRT डेफिशिएंसी, ये एंजाइम्स हैं। और सेकेंडरी जो गाउट है वो किस कारण होता है, वो सेकेंडरी हाइपरग्लिसीमिया जो है इज ड्यू टू द वेरियस डिजीजेस कॉजिंग इंक्रीज सिंथेसिस और डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। सो यहाँ पर जो आंसर है गाउट के लिए वो है प्यूरीन, मेटाबॉलिज्म के डिफेक्टिव जो है वो डिसऑर्डर है ये, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ कैटाबॉलिज्म, यानी कि प्यूरीन कैटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है गाउट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल दैट इज बरखाज वेटिसफेयर और बायोकेमिस्ट्री बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। और आप सभी को ICAR NET एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच।